हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। हम पढ़ रहे हैं ट्रेन, दिस इज़ फॉर एसएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आज हम पढ़ेंगे ट्रेन का पार्ट 5 और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इट इज़ रिटन दैट एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल जो है प्रारंभिक चाल का 3/4 गुना हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी पर पहुंचती है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और यहाँ से ट्रेन जो है 50 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जो चाल है उसकी प्रारंभिक चाल का 3/4 टाइम्स हो जाता, मतलब अगर पहले 4 स्पीड था तो अब कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, ये हमारे स्पीड का रेशियो है कि पहले अगर 4 था तो अब कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो अगर हम स्पीड का रेशियो देखें, ये है ओल्ड स्पीड एंड दिस वन इज न्यू स्पीड। सो ये हमारे स्पीड का रेशियो हो गया। तो मान लेते हैं दिस इज अ एग्जैक्ट टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, किसी भी स्थान जो फिक्स स्थान है उसमें पहुंचने के लिए मान लेते हैं ये टाइम था। लेकिन अब जो एक्सीडेंट हो गया है 50 किलोमीटर के बाद, जो कि 3/4 स्पीड से चल रहा है, तो अब जो है इस स्थान पर इस टाइम पर ना पहुंचकर 35 मिनट डिले, मतलब 35 मिनट लेट पहुंचता है। अगला कंडीशन देता है, यदि दुर्घटना उस स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, मतलब अगर दुर्घटना यहाँ पे ना होके 24 किलोमीटर और चलता और यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता तो गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देरी पर पहुँचती, मतलब पहले अगर यहाँ पे था तो अब यहाँ से 25 मिनट देरी पर पहुँचती। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें इस 24 किलोमीटर पे तो इस 24 किलोमीटर पे भी बोल रहा है अगर ये ओल्ड स्पीड से ही चलता, मतलब 4 के ही स्पीड से चलता, तो 25 मिनट देरी पर पहुंचता। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का ये जो आइडिया ये यहाँ पे दिया है। तो अगर हम इस डिस्टेंस की ही बात करें, किस डिस्टेंस की, 24 किलोमीटर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या है डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, क्या है कांस्टेंट है, क्या है डिस्टेंस, क्या है कांस्टेंट है, मतलब जो ये दूरी तय किया गया फिक्स है। तो अगर हम 24 किलोमीटर दूरी की बात करें तो यहाँ पे अगर स्पीड 4 से 3 हो गया है, कैसे समझ पा रहे हैं आप कि 4 से 3 कैसे हुआ है, हम यहाँ पे बोला है कि 24 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होती, मतलब 24 किलोमीटर तक जो है 4 के ही स्पीड से चले और यहाँ पे एक्सीडेंट यहीं पे हो गया, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है कितना है, 3 का है। तो अगर हम बात करें स्पीड का रेशियो यहाँ पे कितना होगा, 3/4, मतलब 3 न्यू स्पीड है 4 ओल्ड स्पीड है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसका, टाइम का, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 4/3। तो हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया 4/3, मतलब अगर इस स्थान में 24 किलोमीटर पे अगर 3 की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लग रहा है, 4। अगर 4 की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लग रहा है, 3। लेकिन यहाँ पे बात करें तो अगर एक्सीडेंट यहीं पे होता है तो 35 मिनट डिले होता है, अगर एक्सीडेंट यहाँ पे होता है तो 25 मिनट डिले होता है। यहाँ पे अगर हम देखें टाइम का डिफरेंस, मतलब 4 पे पहुँचता था अब 3 पे पहुँचता, टाइम का डिफरेंस कितना है, 1। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें टाइम का डिफरेंस तो 35 पहुँचता था, 25 पहुँच रहा है, तो जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 10 मिनट, कितना है 10 मिनट। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितना हो गया, 10 मिनट, कितना हो गया, 10 मिनट। क्वेश्चन में ये बोला है कि कुल चली गई दूरी और ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो अगर हम ओरिजिनल, अभी यहाँ पे क्या है, ट्रेन की चाल मतलब इस ओरिजिनल स्पीड की बात कर रही है, मतलब 4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो
तो चार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें चार के स्पीड से चली गई दूरी में जो समय लगा है वो टाइम हमें चाहिए। तो अगर एक की वैल्यू 30 है, 10 है, तो तीन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 मिनट, ठीक है ना। तीन की वैल्यू 30 मिनट। अब देखिए 24 किलोमीटर की दूरी, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। इस दूरी को चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है? टाइम जो लग रहा है हमें वो लग रहा है 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। तो अगर हम क्या बात करें, स्पीड हमें चाहिए, स्पीड मतलब ओल्ड स्पीड हमें चाहिए। तो ओल्ड स्पीड के लिए डिस्टेंस 24, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट। लेकिन ये किसमें? किलोमीटर में है, तो इसको मिनट को हम किलो घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का डिवीजन करेंगे, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 24 बटे 30 गुणे 60। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 30 दूना 60, 24 दूना 48, तो 48 किलोमीटर पर आर इसका ओरिजिनल स्पीड आ गया। अब क्वेश्चन में यह भी बोला है कि चली गई कुल दूरी ज्ञात करो, ठीक है ना, चली गई कुल दूरी। तो इसका जो ट्रिक्स है, जो ट्रिक है इसका, आप इसे ध्यान से सुनिए। तो देखिए, अगर एक्सीडेंट यहाँ पे होता है, अगर एक्सीडेंट यहीं पे होता है तो 35 मिनट डिले होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद पे होता है तो 25 किलोमीटर का डिले होता है। मतलब 24 किलोमीटर चलने में, जो 24 किलोमीटर ये चल रहा है इसके कारण कितना टाइम बचा रहा है ये? 24 किलोमीटर जो चल रहा है इसके कारण कितना टाइम बचा रहा है ये? 10 मिनट, ठीक है ना। 24 किलोमीटर चलने के कारण 10 मिनट टाइम बचा रहा है। अब हम एक्सीडेंट जो है 35 मिनट बाद ही करा दें अगर, क्योंकि अगर एक्सीडेंट यहाँ पे होता है तो 35 मिनट डिले होता है, हमें डिले नहीं करना है, हमें जो है उसको एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचाना है। तो अगर जो टाइम डिले यहाँ पे 10 मिनट है, अगर इस 10 मिनट की वैल्यू अगर 35 मिनट करवा दें, मतलब 35 मिनट बाद अगर एक्सीडेंट हो और वो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए तो उसके बाद उसे चलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है। तो हम क्या करेंगे, जितना डिले कर रहा है उतने में हम उस टाइम पे चली गई दूरी निकाल लेंगे तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो 10 मिनट डिफरेंस के कारण 24 किलोमीटर चल रहा है तो 35 मिनट के कारण कितना होगा? 35 मिनट के कारण हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर है, नीचे ये 10 आ जाएगा और गुणे 35। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 दूना 10, 5 सते 35 और ये हो जाएगा 12। तो 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सते 84 किलोमीटर। अच्छा, इसको हम मिनट को आर में क्यों चेंज नहीं किए हैं, घंटे में क्यों चेंज नहीं किए? क्योंकि नीचे भी मिनट था, ऊपर भी मिनट था, तो अगर इसको चेंज भी करते तो आपस में कटने ही वाला था, इसलिए इसको आर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया 84 किलोमीटर, मतलब 35 मिनट का डिले न हो इसलिए हम 35 मिनट में चली गई दूरी, मतलब 35 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला है? ये 84 किलोमीटर। अब हमारे पास ये 84 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गया, पहले कितना चल गया था? 50 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें हम टोटल डिस्टेंस का, कितना टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 प्लस 84 किलोमीटर, ये हो जाएगा हमारा 8, 5, 13, 134 किलोमीटर। सो ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन एंड ये हो जाएगा हमारा स्पीड, ठीक है। सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चलिए आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसके कारण वह उसकी चाल प्रारंभिक चाल का 4/5 मतलब 4/5 गुना हो जाती है। तो ट्रेन चलने के 200 किलोमीटर, ट्रेन चलने के 200 किलोमीटर बाद अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो वो अपनी प्रारंभिक चाल का 4/5 की स्पीड से चलता है, ये क्या स्पीड का रेशियो है?
तो अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी पर पहुंचता है, कितना 45 मिनट देरी पर पहुंचता है। अब बोलता है यदि दुर्घटना उस स्थान से 40 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब ये 40 किलोमीटर है, तो वह गंतव्य स्थान पर 30 मिनट देरी पर पहुंचता, कितना 30 मिनट देरी पर पहुंचता। तो ट्रेन की कुल चली गई दूरी और ट्रेन का चाल ज्ञात कीजिए। तो हम इस 40 किलोमीटर पर बात करेंगे, तो 40 किलोमीटर की बात करेंगे मतलब क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड का रेशियो क्या है, 4:5, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टाइम का डिफरेंस देखें तो 5 और 4 का अंतर कितना है, 1, और यहाँ पे अगर हम टाइम का डिफरेंस देखें तो 30 और 45 का डिफरेंस कितना है, 15 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितना है, 15 मिनट। हमें क्या निकालना है, चाल, ओरिजिनल चाल मतलब 5 वाला वैल्यू निकालना है, तो हमें ये 4 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू 15 चौको 60 मिनट, मतलब कितना हो गया, 1 घंटा। तो हमारे पास टाइम आ गया 40 किलोमीटर को चलने में ये 60 मिनट लेता है। मतलब अगर हम बात करें स्पीड का, तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारे पास स्पीड। अब बोला है कि कुल चली गई दूरी, तो जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट लगाया था कि इस टाइम पे मतलब 15 मिनट के कारण 40 किलोमीटर चल गया, अगर 15 मिनट के कारण कितना 40 किलोमीटर चल गया, तो पहले कितना 45 मिनट डिले होता, तो अगर हम 45 मिनट डिले करा दें, 45 मिनट डिले मतलब 45 किलोमीटर, 45 मिनट में कितना चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40/15 × 45, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, ये कितना हो गया, 120 किलोमीटर। तो ये तो डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक, डेस्टिनेशन जो इसका था, जो गंतव्य स्थान तक था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गया 120 किलोमीटर। उसने बोला है कि टोटल डिस्टेंस, तो जो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 + 120 कितना हो गया, 320 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये इसके स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है इन अ ट्रेन। आप अगर अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और इसका जो कॉन्सेप्ट यही बेस्ट है, और भी आपको तरीके मिल सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट वे में और टाइम कंज्यूमिंग ना हो ज़्यादा, इसके लिए आपको ये जो मेथड है आपको आना चाहिए। चलिए कुछ और इस बेस्ड इस टाइप्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, क्या बोला है कि एक ट्रेन जो है 333 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसके कारण जो है वो प्रारंभिक चाल की 19:7 119/787 गुनी हो जाती है उसका जो चाल है। तो मान लेते हैं चलने के 333 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसके कारण जो इसका चाल है कितना हो जाता है, 119/787 किलोमीटर की स्पीड से चलने लगता है, और गंतव्य स्थान पर वो 4 किलोमीटर 4 आवर लेट पर पहुंचता है। यदि दुर्घटना उस स्थान के 111 किलोमीटर बाद हुई होती, तो गंतव्य स्थान पर केवल 3 घंटे देरी पर पहुंचता। ठीक है, तो बोलता है इसमें बोला है कि ज्ञात करो कुल चली गई दूरी। तो कुल चली गई दूरी के लिए हमें इस स्पीड और टाइम से कोई लेना देना नहीं होता था, हमें केवल इनका डिफरेंस लेना होता था। मतलब पहले 4 घंटे लेट पहुंचता था, लेकिन अगर 111 किलोमीटर देर के बाद एक्सीडेंट होता है तो 3 घंटे डिले पर पहुंचता है, मतलब जो टाइम डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 1 आवर। जो 111 किलोमीटर चल गया, इसके कारण जो टाइम जो हमारा सेव हुआ कितना हुआ, 1 घंटे। हमें 4 घंटे डिले है, तो 4 घंटे बाद अगर हम एक्सीडेंट करा दें, मतलब 4 आवर की वैल्यू निकाल दें, तो 1 की वैल्यू कितना है, 1 1 1, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 1 1 1 मतलब कितना हो गया, 444 किलोमीटर। इसने बोला है केवल टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए, तो इनका
कोई लेना देना नहीं है, केवल इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 333 पहले चला था और ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 444, तो कितना हो गया 777 किलोमीटर। ठीक है, सो ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा इस मेथड से। एक क्वेश्चन और इस पे बेस्ड जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि चलने के 5 घंटे बाद एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसके कारण 2 घंटे वहीं पर रुकना पड़ा और इसके बाद रेलगाड़ी जो है अपनी मूल गति की 55.5% की गति से चली और गंतव्य स्थान पर 12.9% की देरी पर पहुंची। यदि दुर्घटना उसी लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो केवल जो है 10.8% देरी से पहुंचता। रेलगाड़ी की मूल गति ज्ञात कीजिए। सो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 घंटे वहाँ पे रुकना पड़ा, तो जितना टाइम वहाँ पे रुकना पड़ता है वो उसके स्पीड के कारण डिले नहीं हुआ है, वो उसके रेस्ट के कारण डिले हुआ है। तो जितना टाइम वो रुका है उस टाइम को जितना डिले हुआ है उस टाइम से घटा देंगे तो उसका एग्जैक्ट टाइम निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि 5 घंटे चलने के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक 5 आवर चला और यहाँ पे है क्या दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और बोलता है कि 55.5% की स्पीड से चलने लगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.45 449 प्लस 5/9% के कारण 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 500/9 × 100, तो ये आ गया हमारे पास 5/9। मतलब क्या है कि पहले 9 का स्पीड था, अब 5 की स्पीड से चल रहा है, तो जो स्पीड का रेशियो आ गया कितना, 5:9। और 2 घंटे रुका है जिसके कारण गंतव्य स्थान पर वो 12.9% देरी पर पहुंचा। कितना, 12.9% देरी पर पहुंचे, लेकिन क्या है कि 2 घंटे वहीं पर रुका है, तो जो 2 घंटे रुका उसको हम 2 घंटे पहले माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10.2/9। तो जो गंतव्य स्थान है उससे कितने डिले पर पहुंचा वो, 10.2/9। आगे क्या बोलता है कि यदि दुर्घटना उसी लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब यहाँ से यहाँ तक 150 किलोमीटर आगे हुई होती, मतलब यहाँ पर हुई होती, तो गाड़ी जो है 10.8/9 देरी पर पहुंचती। कब पहुंचती है, 10.8/9 आर की देरी पर कब पहुंचती है, जब 2 घंटा रुका है, तो 2 घंटा जो रुका है उसको हम अगर माइनस करें तो कितना हो गया, 8.8/9 आर, मतलब कितनी देरी पर पहुंचता है, 8.8/9 आवर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड के रेशियो का कितना हो जाएगा उल्टा, तो 9/5। अब यहाँ पे अगर देखें तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 9 और 5, 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे अगर हम टाइम का डिफरेंस देखें तो 10.2/9 में 8.8/9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10+2/9 - 8+8/9, तो और सॉल्व करेंगे तो 10 - 8 हो जाएगा, और 2/9 - 8/9 ये कितना हो गया, 2 - 6/9, इसको और सॉल्व करें, 3 × 6 = 3, तो 2 - 2/3 कितना आ गया, 3 × 6 = 6 - 2 = 4/3 आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टाइम का डिफरेंस 4/3, तो 4 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4/3, 4 की वैल्यू 4/3। हमें क्या निकालना है, स्पीड, मतलब 5 की वैल्यू चाहिए क्योंकि ओरिजिनल स्पीड तो 9 था, तो 9 को फाइंड करने के लिए उसका एग्जैक्ट टाइम चाहिए, तो 4 की वैल्यू 4/3, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3/4, मतलब 1/3, तो 1 की वैल्यू 1/3, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 1/3, मतलब 5/3। तो अब हमारे पास ये टाइम आ गया किस में है, ये घंटे में, तो टाइम आ गया 150 किलोमीटर दूरी को चलने में, और हमारे पास डिस्टेंस है, तो अगर हम बात करें स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना हमारे पास, 5/3, इसको सॉल्व अगर करें तो
थ्री ऊपर चल जाएगा, नीचे 5, 5 तिहाई 15, मतलब 30 तिहाई 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारे पास उसका स्पीड क्वेश्चन में, गाड़ी की मूल गति ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में केवल ये पूछा है कि उसका स्पीड क्या होगा, सो हमने स्पीड फाइंड कर लिया 90 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इन ट्रेन SSC में। इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखा होगा। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि ये ट्रेन का लास्ट पार्ट है, एंड यू शुड फॉलो ऑल द क्वेश्चंस थ्रू द प्लेलिस्ट। मैंने प्लेलिस्ट इसका बना रखा है, ये ट्रेन का पार्ट 5 है, इसके पहले 4 वीडियो और अपलोडेड हैं। यू कैन गो एंड वॉच द होल क्वेश्चंस ऑफ द ट्रेन। चलिए एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है किसके क्वेश्चन है, फॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो धुआं या फिर कोहरा के कारण जो क्वेश्चन बनता है, कोहरा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उस पे क्वेश्चन ये बेस्ड होंगे। जब एक आदमी रेलवे ट्रैक के अलोंग 6 किलोमीटर स्पीड से जा रहा था तो एक ट्रेन उसे पास करता है, और जो आदमी है उस ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। जब वो ट्रेन डिसअपेयर हुआ, जब वो ट्रेन गायब हुआ, तो उस स्थान से उस आदमी के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1200 मीटर। और यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन का स्पीड ज्ञात करो। तो मान लेते हैं आदमी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रेलवे ट्रैक के अलोंग। अब बोलता है जब ट्रेन उसे पास करता है तो ट्रेन उसको कितने मिनट तक दिख सकता है, 2 मिनट तक आदमी जो है उस ट्रेन को देख सकता है। और जब ट्रेन यहाँ से आगे निकल गई, मतलब इस पॉइंट तक, जब तक उसको देखा है, इस पॉइंट से आदमी के स्थान तक जो डिस्टेंस है वो दिया है उसने 1200 मीटर, 1200 मीटर दिया है। और जो ट्रेन का लेंथ है वो दिया है उसने कितना, 300 मीटर, 300 मीटर। तो बताना है कि ट्रेन का स्पीड क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इन अ सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, तो जो स्पीड होगा वह यहाँ पे कौन सा स्पीड काम करेगा, रिलेटिव स्पीड, कौन सा, रिलेटिव स्पीड। और हमें पता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड उनके स्पीड के डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब S-6। तो हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड। हमें और क्या दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है कि 2 मिनट तक देख सकता है, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पे, जो डिस्टेंस कवर करता है। अच्छा, ट्रेन ने इस आदमी को पार किया है, ट्रेन ने इस आदमी को पार किया है, मतलब खुद की लंबाई पार किया होगा, और कौन सा डिस्टेंस कवर किया है, जितना आदमी ने 2 मिनट तक देखा है। तो अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितने मिनट में, 2 मिनट में, कौन कौन सा होगा, एक तो ये डिस्टेंस जितना उसने देख पाया कितना, 1200 मीटर, और ट्रेन की खुद की लंबाई कितना, 300 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास 1500 मीटर। तो अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ये रिलेटिव स्पीड आ गया ये, और टाइम कितना दिया है यहाँ पे, जो टाइम दिया है 2 मिनट, ठीक है। अब इसको अगर हम, जो हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को जो फॉर्मूला है, अगर इसमें हम पुट कर दे तो स्पीड कौन सा होगा, रिलेटिव स्पीड कितना है, S-6। डिस्टेंस कितना है, 1500 मीटर, और टाइम कितना है, 2 मिनट है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज कर लें, या फिर चलिए मीटर मिनट में लिखते हैं, तो कितना, 2 मिनट। लेकिन ये किस में है, जो 6 दिया था वो किस में दिया था, किलोमीटर पर आ, तो इन सबको किलोमीटर पर आर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये किस में है, मीटर में है, ये किस में है, मिनट में, ये मीटर। तो मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो कितने का, 1/1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मिनट को घंटे में चेंज करते हैं तो 60 का डिवीजन करते हैं, मतलब 60 ऊपर चला जाएगा। तो
तो ये आ गया हमारे पास किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम सॉल्व अगर कर दें तो तीन जीरो से ये तीन जीरो कट गए, दो तिहाई छः, तो ये आ गया 15 दूना 30, 15 तिहाई 45 किलोमीटर। अब यहाँ से और सॉल्व करें तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 45 प्लस 6 मतलब 51 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारे पास ट्रेन का स्पीड। सो इस टाइप के क्वेश्चन को, फॉग क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें रह गया है, जल्दी से उसे सॉल्व करते हैं एंड आई विल रैप अप द सेशन ऑफ दिस ट्रेन। ये ट्रेन का लास्ट पार्ट है एंड आई होप आप सबको जो ट्रेन के क्वेश्चन है, जो ट्रेन के टाइप्स हैं, वो समझ में आया होगा। तो चलिए आज के वीडियो का और ट्रेन के लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक मैन 400 मीटर दूरी तक फॉग में देख सकता है जब वो 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था। मान लेते हैं आदमी जो है इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था और 400 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब इधर 400 मीटर दूरी तक देख सकता है और इधर 400 मीटर दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब यह हुआ रेलवे ट्रैक है, ये एक रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक के अलोंग जा रहा है और 400 किलोमीटर दूरी तक देख सकता है। जब ट्रेन उसके पीछे से आती है और उसे क्रॉस करके आगे चली जाती है, 3 मिनट के बाद क्या होती है, ये डिसअपेयर्ड हो जाती है। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जब तक डिसअपेयर्ड हुआ उसको कितना टाइम लगा, 3 मिनट, कितना, 3 मिनट। और क्या दे रखा है, अच्छा कंप्लीट, और ये दे रखा है कि ट्रेन का जो लेंथ है, जो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, ट्रेन का जो लेंथ है वो है 200 मीटर। हमें ये ज्ञात करना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का क्या चाल होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले हम अगर हम बात करें डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 400 प्लस 400 और प्लस ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी इसी टाइम पे, तो कितना हो गया 200। ये हो गया हमारे पास 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। और जो टाइम लगा है इतना दूरी सब कवर करने में, तो कितना लगा है, 3 मिनट। और अगर हम बात करें स्पीड का, तो यहाँ पे कौन सा स्पीड होगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक ट्रेन है एस की स्पीड से और एक मैन है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो स्पीड होगा वो होगा हमारे पास रिलेटिव स्पीड, और कितना हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, s-4। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है। अब जो बेसिक फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये लगा देते हैं। तो चाल कौन सा, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल कितना हो गया, s-4। दूरी कितना, 1 किलोमीटर। समय कितना, 3 मिनट, लेकिन ये किस में है, किलोमीटर पर आवर, तो इधर भी किलोमीटर पर आवर, तो ये तो किलोमीटर में है, ये किस में है, मिनट में, तो मिनट है तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 का डिवीजन। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 60/3, ये कितना हो गया, 20। तो जो हमारे पास s आएगा 20 प्लस 4 मतलब 24 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने आपके लिए हटाव्यू क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है फॉर एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ट्रेन का कंप्लीट जो क्वेश्चंस जो टाइप्स है यहाँ पे कवर किया गया है। एंड इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।